तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडी राइडर्स, और आज का वीडियो जो रहने वाला है वो ओखला बर्ड सेंचुरी के ऊपर रहने वाला है। आज हम गए थे ओखला बर्ड सेंचुरी एंड वहां पर हमने काफ़ी एंजॉय किया, और आपके साथ मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ। जस्ट आप वो वीडियो देख करके वापस आइए, मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। ये देखिए ओखला बर्ड सेंचुरी में, आज संडे था तो निकले थे घूमने। हमने कहा चलो यहाँ पे घूम करके आते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में। टिकट 30 रुपये है और पॉली बैग वगैरह सब कुछ अलाउड नहीं है। देखिए पीला कनेर, कनेर के पेड़। यहाँ पर देखिए ये पक्षी विहार है, तो यहाँ पे आपको ये वाले जो डक्स वगैरह जो पंछी वगैरह है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे आने की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से शाम के 5 बजे तक होती है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आने का जो बेस्ट टाइम है वो आपका होता है दिसंबर से मार्च तक। बर्ड्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती हैं सितंबर के बाद से। देखिए बायोडायवर्सिटी ऑफ बटरफ्लाइज एट ओखला बर्ड सेंचुरी, तितलियाँ यहाँ पे भी दिखती हैं। बताया अभी मैंने जानकारी ली तो करीब करीब कह रहे हैं 3 किलोमीटर लंबा है ये। आप जितना चाहें उतना घूम सकते हैं, जितना घूम पाएं आप उतना घूम सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए घूमने निकले हुए हैं। यहाँ की मेजॉरिटी वाटर बर्ड्स जो और रेजिडेंस ऑफ वाटर बर्ड, ये सारी वाटर बर्ड्स जो है आपको दिसंबर से लेकर के मार्च के महीने में आपको मिलेंगी यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बैठने के लिए स्टूल दे रखा है, यहाँ पर आप बैठ करके इंजॉय कर सकते हैं उस टाइम के वेदर को। अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी है तो अभी तो इतना इन्जॉयमेंट नहीं हो पाएगा, बट हाँ फिर भी कह सकते हैं कि आप जब उस मौसम में आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो है व्यू मिलेगा यहाँ पर। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम आगे चलते हैं, घूमते हैं, उसके बाद आपको जो है आगे का जो है कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। गाइस
अभी ओखला बर्ड सेंचुरी मैंने तो काफ़ी मतलब कि मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो गए थे यहाँ पर रहते रहते, बट मैंने सुना ही था इस चीज़ के बारे में, कभी आया नहीं था। तो ऐसे मूड बना था मेरा घूमने का, तो मैंने कहा चलो आज संडे है और छुट्टी भी है, तो चलो क्यों ना हम ओखला बर्ड सेंचुरी घूम आते हैं। तो बस जस्ट वही घूमने आए हैं, और आई थिंक पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, या तो मुझे यहाँ पे सुबह सुबह आना चाहिए था या फिर थोड़ी सी शाम हो जाती तो आता, तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है गर्मी बहुत है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बकरियाँ, देख सकते हैं बकरियाँ, और जो दो हमारे साथ आए हुए हैं देखिए, वो देखो वो तो पूरे घूमने में मस्त हैं, वो देखो ये रे। तो चलिए चलते हैं हम भी उनके पास। अकेले अकेले क्यों घूम रहे हो हैं सानवी, अकेले अकेले क्यों घूम रही हो आप बताओ, मम्मा के साथ घूम रही हो? ये मेरे साथ जो दो पार्टीज आई हैं वो घूमने में मस्त हैं। सानवी आप कहाँ आई हो? आओ फिर घूमने आओ, आई हो तो आओ घूमी घूमी करने। अभी बस यहाँ पे बारिश हो जाए, बारिश होने के बाद से जो मजा आएगा ना, देखिए वो यहाँ का नज़ारा ही एक अलग होगा। है बढ़िया घूमने के लिए अच्छी जगह है, और हवा भी कहीं कहीं पर चल रही है, कहीं कहीं पर नहीं चल रही, कहीं लग रही है कहीं नहीं लग रही है। और आप अगर मेरी हालत देखें देखना चाहे तो देख सकते हैं मेरी हालत क्या है। ये बैग पहना हुआ है, दो हेलमेट मेरे बाइक से जो लेके आया हूँ वो हैं, और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखिए जो बीच में देख रहे हैं जगह, बीच में ये वाली जगह, यहाँ पर एक दो तीन पंछी है काफ़ी, और वहाँ पर बीचों बीच एक जगह है, यहाँ पर खड़े होने की जगह बनी हुई है, वहाँ पर पता नहीं जा सकते हैं हम नहीं जा सकते कुछ पता नहीं है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया शोर मत करें ना करें। तीन किलोमीटर लंबा है ये। और बहुत ऊपर है, मम्मा पहुंचेगी नहीं, देखिए सोना बेटा फूल के लिए कर रहे हैं कि फूल चाहिए ना यहाँ से फूल। आओ सोना आगे 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 ढूंढते हैं हम फूल आपके लिए। और ये फूल की तलाश में चलती हुई छोटी सी लड़की, फूल की तलाश में, फूल मम्मा फूल मम्मा फूल मम्मा फूल चाहिए, और ये आपकी इसकी मम्मा फूल तोड़ती हुई, ये लीजिए फूल आपके लिए। शाबाश, खड़े हो जाओ मेरा बेटा, खड़े जाओ, कुछ नहीं हुआ। आजा मेरा बच्चा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सुनो तो मेरा शेर पुत्र है, ठीक हो गया।
गिर गई आओ दूसरी रूम। हाँ ये देखो सोना बच्चा रो रहा है देखो। फूल था डंडे में थी। ओए ओए फूल था फूल था फूल था मम्मा बेटा मम्मा बेटा फिर फूल। आज ये लड़की फूल के लिए पागल हो गई है। मम्मा फूल मम्मा फूल मम्मा फूल मम्मा फूल। तो जो सोच रहे थे वही हुआ। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है हल्की हल्की, देखिए पीछे जैसे मौसम सही हुआ बारिश स्टार्ट हुई, बस दोनों माँ बेटी का शुरू हो गया। अभी तो सोना का क्या हो गया है कि मेरे को गोदी ले लो, मैं मेरे को पैदल चलना ही नहीं है। और यहाँ पे बारिश हो रही है, तेज होने वाली है और देख सकते हैं बारिश हो रही है। मौसम बढ़िया हो गया है लेकिन कह सकते हैं ना, और हमारे पास गियर्स हैं एंड ऑल दैट। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तेज हो रही है। तेज हो रही है। Don't want to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it real. So guys, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। अभी तो अभी मौसम ऐसा है और गर्मी की वजह से शायद मुझे वो चीज़ नहीं मिली हो। और यहाँ से काफ़ी दूर भी है दूसरा साइड, जहाँ तक अभी जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी थानवी हमारे साथ है। तो अगर इन फ्यूचर दोबारा से प्लान बनता है और सितंबर से दिसंबर या फिर मार्च के बीच में जब यहाँ पर जो प्रवासी पंछी आते हैं तब विज़िट करेंगे और तब आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि हाँ उस वक्त का नज़ारा जो होता है यहाँ से यहाँ पर कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं अपनी बाइक के पास और निकलते हैं अपने घर के लिए और आपको मैं मिलता हूँ डायरेक्टली घर पर। बाय। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने घर वापस और मोकाबट सेंचुरी का व्यू क्या बोलते हैं उसे, मतलब ये व्यू मेरा ऐसा है कि हाँ अगर पर्टिकुलर टाइम जो टाइम प्रोवाइडेड है, जैसे कि मैंने वहाँ पर पता किया था दिसंबर से मार्च का, अगर उस बीच में जाते हो तो आपको बहुत सारे पंछी जो है, जो बर्ड्स जो क्या ना अपना ट्रैवल करके आते हैं यहाँ पर, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और माइट भी हो सकता है जो जिस रोड पे हम घूम रहे थे उसी रोड पर आपको दिखते हैं। और बस आज गर्मी बहुत थी, अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ, अगर इस वक्त मैं वहाँ पे होता तो शायद व्यू अलग होता। बाकी चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर जाऊँगा दोबारा सितंबर में पंछी आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हो सका पॉसिबल तो नवंबर या दिसंबर के बीच में दोबारा से वहाँ पर विजिट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पक्षी वहाँ पर विजिट करते हैं एंड ऑल दैट। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। होप यू आप लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूँ ट्रैवल के रिलेटेड। जल्दी मैं एक जगह ट्रैवल करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा साथ के साथ। इसी के साथ टाटा, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।